दशहरा मैदान पर आर्मी डे के उपलक्ष्य पर सेना द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों सहित आमजन सेना की घातक हथियार, तोप, गोले, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां देखने पहुंचे। संस्था लक्षजीत के संयोजक लोकेंद्र सिंह राठौड़ व राजसिंह गोड़ ने बताया कि गुरुवार को श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल, कोलंबिया कॉन्वेंट, श्री कसेरा ब्रज विहार निकेतन, न्यू सनब्राइड स्कूल और लास्जिस स्कूल से हजारों बच्चे प्रदर्शनी देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चों ने सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए जिन हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है, उन्हें खुले मैदान में देखकर उत्साहित हो गए। शस्त्र प्रदर्शनी में व्हीकल, फील्ड गन, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, मोटर्स, गोले, क्लेम वेपन सिस्टम सहित अन्य सैन्य उपकरण देखे गए। इस दौरान लोगों सहित बच्चों ने टैंक और अन्य सैन्य उपकरणों के साथ सेल्फी भी ली। इसके ऊपर से मिसाइल जो है, मिसाइल फायर होता है, जो ऊपर लोड किया गया है, ये मिलन मिसाइल बोलते हैं इसको। ये हमारे हैदराबाद में बनता है और इसकी रेंज जो है 2 किलोमीटर है। जो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है, अपने देश में कोई आना चाहती है, उस दौरान हमें इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी फायरिंग पावर दिखानी पड़ती है। AK-47 है, ठीक है, रेशे का बना हुआ है, 3.60 का वेट, मैगजीन इसके अंदर 30 राउंड भरे जाते हैं। इसका कारगर रेंज होता है 400 मीटर, ठीक है। मतलब जो बेस्ट एक्यूरेसी है चला सकते हैं, थोड़ा बहुत 10,000 तक भी चला सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो 8,000 भी इसकी लाइन। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.